नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधामोहन कानपुर देहात पहुंचे, जहां वो मंडली किसान पंचायत में शामिल हुए। वहीं इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोरोना का कोई भय नहीं दिखाई दिया और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। किसी ने भी मास्क नहीं लगाए रखा था और न दो गज की दूरी का कोई भी पालन करते नजर आया। आपको बता दें कि अकबरपुर डिग्री कॉलेज में भाजपा की मंडलीय किसान पंचायत आयोजित की गई थी। वहीं रामपुर में हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता और दमदार आवाज के मालिक रजा मुराद ने देशव्यापी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं धरने में शामिल लोगों को भाजपाइयों द्वारा अपने अंदाज में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान रजा मुराद ने कहा कि हर इंसान को धरना देने का हक है और जो किसान कर रहे हैं वो उनका हक है। सरकार को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है, हर इंसान को प्रोटेस्ट करने का हक है, हर इंसान को धरना देने का हक है और जो किसान कर रहे हैं वो उनका हक है। बतौर हिंदुस्तानी नागरिक, भारतीय नागरिक उनका हक कर सकते हैं। मैं यही कहता हूं कि कोई भी जो प्रदर्शन है वो उग्र नहीं होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए और आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो। रास्ता रुकेगा तो कोई कचहरी नहीं जा पाएगा, कोई अस्पताल नहीं जा पाएगा, कोई किसी की फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाएगा। तो इससे आम इंसान को तकलीफ होती है। बस्ती में एसपी हेमराज मीणा ने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में एसपी हेमराज मीणा और एसपी रविंद्र कुमार सिंह के साथ कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा थाना परिसर में सीओ विशाल चौधरी ने कंबल वितरित किया। इसी के साथ एसपी ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के चलते गाँव में पैनी नजर रखी जा रही है। थाने से वास्तव में जुड़े हुए हैं और इसी का नतीजा है कि थोड़ा सा थाना प्रभारी के द्वारा पहल किया गया, आप सब लोगों ने जिसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और आप देख रहे हैं कि आपने थोड़ा सा दोनों तरफ से आप सब लोगों ने सहयोग किया कि जो थाना है पहले किस दशा में था और अभी वर्तमान में इसकी एक एक दीवार, एक एक कोना चमक रहा है। वाराणसी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल जिले से आए प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में इंद्र कुमार ने एक विवादित बयान दिया। इंद्र कुमार ने अपने कड़े शब्दों में कहा कि भारत के मुसलमानों को भारत पसंद नहीं है तो वो चीन और पाकिस्तान में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। आयोजित हुए सम्मेलन में इंद्र कुमार ने नेताजी सुभाष बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सम्मेलन का संचालन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया और इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से शफीक अहमद, हाजी मोहम्मद सहित अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। आप बोली है, मैं एक बोलूंगा, पाकिस्तान जब पीओजे के बाल्टिस्तान रुक जाऊंगा, आप कहेंगे खाली करो, हमारा है भारत का है। क्या बोलेंगे आप लोग? खाली करो, भारत का है, हमारा है भारत का है। नहीं तो दो भी बोल सकते हैं, खाली पर मुकाबला करो। अब तो आतंकी भी खत्म होने लगे, लगभग खत्म, खात्मे पर। तो इसलिए अब बुलंद आवाज में दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा पाकिस्तान पीओजे के बाल्टिस्तान, आप कहेंगे खाली करो, हमारा है।
संत कबीर नगर में ब्लॉक प्रमुख पर होर्डिंग चोरी करने का आरोप लगाया है। होर्डिंग चोरी करने के मामले में पीड़ित ने एसपी को तहरीर देकर केस दर्ज करवाने की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख पर लगे चोरी के आरोप ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। जानकारी मिल रही कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस संबंध में पीड़ित ने अब ईओ नगर पालिका प्रभारी निदेशक और एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। देखिए सर, जैसा कि हमारी होर्डिंग है, मैं खुद होर्डिंग चलवाता हूँ अपना, तो मेरी सब्जी मंडी के पास होर्डिंग लगी हुई थी। तो पिछले बीते हुए रात में 7 तारीख की डेट में यहाँ ब्लॉक प्रमुख समरिया के मुमताज जी, उनके कुछ साथियों ने मिलकर वो होर्डिंग उखाड़ ले गए। उसके बाद मैं यहाँ एसपी जी के पास आया हूँ गुहार लगाने की जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। मामला ये है कि जो होर्डिंग्स लगी हुई है विज्ञापन है, वो होर्डिंग्स आलोक पांडे जी लगवाते हैं वहाँ पर, और रात में 10-12 की संख्या में सब्जी मंडी के पॉइंट से और गौरा पार वाले मोड़ के पास से और एक ओवरब्रिज जो बाईपास का है यहाँ के पास से 3 जो है होर्डिंग्स लोहे की बनी हुई 75,000 रुपये जिसकी कीमत है उसको उखाड़ ले गए रात में। सुल्तानपुर में मंगल सिंह की शहादत में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाजसेवी मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर समाजसेवी ने कहा कि गाँव के परिवेश में जाति की भावना रहती है, लेकिन कोई खिलाड़ी जब खेल में अपनी प्रतिभा दिखाता है तो वो बॉलर व बैट्समैन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ कोरोना को लेकर कहा गया कि इलाके के लोगों को जो भी परेशानी है उसे दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वर्गीय मंगल सिंह जी जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में, उनकी स्मृति में आज इस ग्राउंड पर एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके पिताजी परम आदरणीय चाचा अशोक जी, बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज जी जिनका विशेष योगदान है, जिन्होंने इस शानदार टूर्नामेंट का आयोजन कराया, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसी प्रोग्राम में हम सारे लोग सम्मिलित हुए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।